बारिश का सिलसिला रात भर से फिर शुरू है और वक्फे वक्फे से बारिश। ये फूलदार पौधे, दरख्त लगे हुए थे फलदार, इनके फूल जो है वो अभी गिरना शुरू हो गए हैं बारिशों की वजह से। हम तो तैयार थे कि आज दरांतियां तेज करा के फसल काटेंगे, लेकिन क्या करें, अल्लाह के काम है और उसके हर काम में बेहतरी है। फिर बारिश शुरू होगी, अभी एक हफ्ता डेढ़ जो है वो फिर से, जब तक सही धूप नहीं लगती, कटाई का सिलसिला रुक गया है। क्योंकि तो अल्लाह करे बारिशें खैरोफियत से हों तमाम किसानों के लिए जिनकी फसल अभी तैयार है। इससे पहले कई नुकसान पहुँच चुके हैं फसलात को लोगों की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा, वक्फे वक्फे से बारिश जारी है जनाब, 2-4 दिन धूप रही है और फिर रात से सिलसिला जारी है, और ये सैटरडे कल तक रहेगा, और अचानक बारिश होगी। जुम्मा पढ़ के वापस आ रहे थे बाइक पे तो ठीक ठाक बारिश हुई और पूरा भीग गए हैं। सर्दी पहले ही थोड़ी लग रही थी और अभी भीगने से ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही है, क्योंकि रोज़े में पेट खाली होता है, ऑब्वियसली सर्दी लगती है। और ये बारिशें खुदा के काम होते हैं और खुदा के हर काम में बेहतरी होती है। अल्लाह ताला अपने प्लान बहुत बेहतरीन करता है, लेकिन अभी किसान परेशान है इसलिए कि शायद इन बारिशों से जो तैयार फसलें हैं, और मैं भी आपको दिखाऊंगा भी, ऐसी फसलें हैं जो बिल्कुल तैयार हैं। और हमने प्रोग्राम बनाया था कि कटाई का, क्या दरांतियाँ वगैरह तेज़ करानी है और कटाई करनी है। अभी भी बारिश लगी हुई है, देख सकते हैं मैंने छतरी पहनी हुई है, और छतरी ना पहनूं तो काफ़ी तेज़ बारिश है, आप देख सकते हैं। प्रोग्राम था कटाई का, लेकिन बारिश ने अभी वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है, और अभी शायद 4-5 दिन, हफ्ता भी लग सकता है, जब तक सही धूप नहीं लगती और फसल दोबारा सूख नहीं जाती। क्योंकि गंदम की जो फसल का जो नाड़ होता है वो अगर गीला हो जाए तो फिर वो काटना मुश्किल हो जाता है, दूसरा वो फिर जड़ों से उखड़ना शुरू हो जाती हैं। इसलिए आज ये सिलसिला अभी मुश्किल है करना। तो मैं दिखाता हूँ आपको वेदर और फसल भी जो तैयार है वो भी। ये भी अभी बैठा हुआ है इधर सर्दी की वजह से। ये अपना ठिकाना छोड़ कर इधर निकल के आया, अभी बैठा है, ठंड लगी है इसको। लेकिन एक चीज़ इसकी आया है, ये रात भर किसी चीज़ को फसल में नहीं आने देता, और वैसे भी वफादार जानवर होता है। और वैसे तो आज मेरा प्रोग्राम था कि एक जगह जाना है, आपको कोई अच्छी सी वीडियो बनानी थी, कोई बेहतरीन चीज़ एक दिखानी थी हमारे खिताब पटवार की, लेकिन बारिश थी इसलिए नहीं जा सका। तो काफ़ी दिन हो गए वीडियो नहीं बनाई, तो सोचा ये मौसम आपको थोड़ा इन्जॉय करा दूँ। अगर आप देखें तो बिल्कुल तैयार फसल है, और अगर ये इसका सिका, अगर अभी तो बारिश पड़ गई है, थोड़े गीले हो गए हैं, लेकिन जब ये बारिश नहीं थी तो ऐसे करते थे ना सिका लेके, तो पूरे दाने जो है वो हाथों में आ जाते थे, ये देख सकते हैं आप। और इस कदर अभी दुआ यह है कि अल्लाह ताला करे, और इसमें ये देखें माशाल्लाह, ये बारिशों से ये फ़ायदा हुआ है कि दाना मोटा भी हो गया है। अभी पहले मैं चेक करता रहता था, बहुत बारीक से दाने थे इसके, बारिशों की वजह से इसके दाने में जो है ताकत आ गई है और मोटा भी हो गया है। अच्छा, प्रॉब्लम यह है कि दुआ यह है कि अल्लाह करे ज़्याला बारी ना हो, उससे बहुत तबाही होती है। तो पूरा खेत आप देख सकते हैं, ये A to Z खेत इसी तरह तैयार है। और अच्छा, ये आप बूटी भी देखें, इसके फूल बहुत खूबसूरत हैं, और अभी इसके फूलों पर अभी बहार आने वाली है, ये कैमरे में और ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और ये इसी तरह टोटल जो है वो हमारे गांव में फसल इसी तरह हो चुके हैं। तो ये आपने देखा फसल जो है वो किस कदर तैयार हैं, और अभी कटाई का अमल शुरू होने वाला है,
दुआ ये है कि ज़्याला बारी ना हो, क्योंकि ज़्याला बारी से जो नुकसान ये होता है कि जो तैयार फसल हो, जो सूख चुकी हो, काटने के करीब हो, उसको जब ओले पड़ते हैं, ऐन पड़ती है, तो उसका सारा जो दाना है वो गिर जाता है और सिट्टे सारे उसके बिखर जाते हैं, दाना गिर जाता है और नाड़ ही पीछे रहता है। जो बाहर जो लोग होते हैं ना, वो यूरोप में तो बारिशें रहती हैं ज़्यादातर, उन लोगों को इतना नहीं होता, लेकिन स्पेशली जो अरब ममालिक में हैं, वहाँ तो यूएई में वहाँ कम बारिशें होती हैं, गर्मी ज़्यादा होती है, इस तरह का जो मौसम होता है उसकी उनको दोस्तों को तलब होती है, और अपने वतन का जो खास करके मौसम होता है उसकी तो और ज़्यादा ख्वाहिश होती है बंदे को, परदेसी बंदे को खास करके। जी छोटू ये कहता है कि मैंने भी देखना है बारिश को, मौसम बारिश देखनी है। हाँ छोटू ये छतरी पकड़ो, इसको मैं लटा के आया था, लेकिन ये कहता है कि मैं इस बारिश देखूंगा, छतरी नहीं तोड़नी। कारजुला बारिश कारजुला बारिश तक से रासना बोन केड़े पसे बोन किधर तो किसी थी करो, नीचे जाना है। चलो मिलो मिलो फिर चलें। ये चलो जी, मुझे तो लगता है ये सिलसिला जो चल रहा है ना, ये रात भर रहेगा, क्योंकि ये धीमी धीमी बारिश है, और ये छोटा अभी कह रहा है कि वापस चलते हैं। वापस चलें छोटू, चलो ला। क्या खा रहे हो? अभी तो रोज़े में काफ़ी टाइम है, बार बार चीज़ें खा रहे हो, रोज़ा नहीं है, रोज़ा नहीं रख सकते?